नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। सूरजपुर जिले में वन्यजीव संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक पार्क परिक्षेत्र रहन में भी वन्यजीव पर्यावरण जागरूकता को लेकर वन विभाग ने रैली निकाली। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन से वन्यजीव विलुप्त होते जा रहे हैं। सुख सुविधाओं और तथाकथित विकास के नाम पर धरती पर मौजूद संसाधनों के कुप्रबंधन से दूसरे जीवधारियों के जीवन के आधार ही समाप्त होते जा रहे हैं। पार्क रेंजर ललित साय पैकरा रहन पार्क ने कहा कि धरती की है, वनस्पति और जीव जंतुओं को जीवन का एक समान अधिकार है। प्रकृति व्यवस्था में मानव जगत ने दखल कर असंतुलित कर दिया है। नतीजा बेहद गंभीर परिणाम दृष्टिगोचर हो रहे हैं। IUCN ने इसे गंभीरता से लेते हुए रेड बुक जारी किया है और दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि संकटग्रस्त जीव वनस्पति बचाया जा सके। इसी दिशा निर्देश में 7 जुलाई 1955 में हुए साप्ताहिक बैठक के बाद प्रतिवर्ष 1956 से वन्य जीव संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम में रेंजर ललित साय, वनपाल सूर्यभान, वनपाल प्रहलाद सिंह, प्रभारी रेंज सहायक संतोष दुबे, वन रक्षक अभिमन्यु सिंह, वन समिति के अध्यक्ष रेंज के समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। मैं ललित साहब पैकरा, रहन पार्क परिक्षेत्र अधिकारी। हमारे यहाँ वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है और इस वन्य जीव सप्ताह मनाने का प्रमुख उद्देश्य है लोगों में वन्य जीवों के प्रति सचेतता लाना, जागृति लाना, ताकि पर्यावरण में जो असंतुलन की स्थिति है वो ठीक हो सके और लोग जीवों के प्रति जागरूक होकर उनके बचाने में थोड़ा अपना सहयोग दे सकें। ये कार्यक्रम का उद्देश्य है कि छोटे से लेकर बड़े जीवों का संरक्षण करना। हम लोग का कहते हैं 2 से 8 अक्टूबर तक वन प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाते हैं, गांव प्रसार करते हैं कि जो हम लोगों का जो वन प्राणी है इनकी जनसंख्या जो है बहुत तेज़ी से घट रहा है, इसको कैसे बचाया जाए, इनका संरक्षण कैसे किया जाए एवं गांव वालों के सहयोग से इनको कैसे बचाया जाए, ये सब का गांव में प्रसार करते हैं कि जो भी कहते हैं वन प्राणियों की जो संख्या है वो विशेष रूप से घटते जा रहा है। इन सबको सभी को हम लोगों को बचाना है, सभी का जीवन श्रृंखला, आदमी के जीवन श्रृंखला का कहते हैं छोटे जीव जंतु से लेकर बड़े जीव जंतुओं तक जुड़े हुए हैं। यदि के कहते छोटे बड़े जीव जंतुओं का हम लोग रक्षा नहीं करेंगे तो मनुष्य का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा बाद में, इसलिए हम लोग गांव के माध्यम से 2 से 8 अक्टूबर के माध्यम से वन प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाते हैं, जिससे कि के कहते हैं हम छोटे से बड़े जीव जंतुओं का रक्षा कर सकें, हम गांव वाले का सहयोग मिल सके। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सूर्यभान सिंह, सर्किल मोहली, पार्क परिक्षेत्र रेहन। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।